हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज हम देखने वाले हैं क्लास 4 यूनिट 7 द ब्रेव लिटिल काइट। ये एक छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत कुछ कह जाती है। हम हिंदी में एक पोयम देखते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा हम देखते हैं। जो कोशिश करता है उनकी कभी भी हार नहीं होती। उसमें ऐसा दिखाया गया है एक पोयम में कि जो मर्जी हुए होते हैं वो क्या करते हैं, वो समुद्र में मोती ढूंढने चले जाते हैं। अब वो ऐसा नहीं सोचते कि इतने बड़े समुद्र में हम मोती कैसे मिलेगा, लेकिन वो ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि हमें मिलेगा, ऐसा आत्मविश्वास रखते हैं। तभी वो पोइम बनी है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो कभी न कभी ढूंढ के लाते ही हैं, कोशिश करना छोड़ नहीं देते। कभी कभी खाली हाथ भी आते हैं लेकिन वो कोशिश करते रहते हैं, तो एक दिन उनको मोतियाँ मिलती ही है। सो ब्रेव लिटिल काइट, ये पोइम भी इसी तरह ही है कि एक छोटी सी पतंग होती है, वो स्टार्टिंग में डरती है, उड़ने के लिए डरती है, लेकिन क्या होता है वो बाद में ट्राई करती है। उनको बड़ी पतंग सजेस्ट करती है कि आप जस्ट ट्राई करो, कोशिश करके देखो, आप सीख जाएंगी। उनको डर रहता है कि मैं गिर जाऊँगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा उनको डर रहता है, लेकिन वो ट्राई करती है और लास्ट में वो सक्सेसफुल होती है। तो चलिए ये पोएम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। यूनिट 7 द ब्रेव लिटिल काइट। ब्रेव मतलब बहादुर, लिटिल मतलब छोटी सी नन्ही सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो एक बहादुर छोटी सी नन्ही सी काइट, ऐसा हम उनका अनुवाद कर सकते हैं। देन लिखा है एक्टिविटी 1, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, हमें उनको ध्यान से देखना है। देन नीचे कुछ क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स देने हैं। तो पहले पिक्चर क्या है, एरोप्लेन, एंड देन बलून्स, और थर्ड नंबर पे एक बर्ड है, एंड देन एक पतंग है, काइट है, राइट। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस है। पहला है व्हाट इज द कॉमन फीचर इन द 4 पिक्चर्स। चार पिक्चर्स है, उसमें एक कॉमन बात कौन सी है, कॉमन फीचर क्या है। तो सब उड़ने वाली चीज़ें हैं, राइट, सब उड़ रहे हैं, ये कॉमन चीज़ है। तो आप उनका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। देन सेकंड, क्लासीफाई द मैन मेड एंड नेचुरल थिंग्स। क्लासीफाई करना है जो मनुष्य बनाता है, मैन मेड मतलब हम लोग बनाते हैं वो, एंड देन नेचुरल थिंग्स जो नेचुरल होती है, गॉड कुदरत बनाता है वो। तो यहाँ पे पहला पिक्चर एरोप्लेन का है, तो एरोप्लेन मैन बनाते हैं, राइट, मनुष्य बनाता है, तो वो मैन मेड आएगा। एंड देन बलून्स, बलून्स भी कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। एंड देन बर्ड, बर्ड कौन बनाता है, नेचुरल थिंग है, राइट, कुदरत बनाता है। एंड देन काइट है, काइट भी मनुष्य बनाता है। तो 3 चीज़ें हैं, एरोप्लेन, बलून्स एंड काइट, वो चीज़ें मैन मेड है, एंड देन बर्ड है वो नेचुरल थिंग है, ओके। देन एक्टिविटी 2, एडवेंचरस स्पोर्ट्स रिक्वायर करेज एंड डिटर्मिनेशन, नेम दिस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं कुछ, राइट, जैसे कि स्काई डाइविंग होता है, उसमें बहुत सारी डेयरिंग, करेज या डिटर्मिनेशन हमको चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हम छोटे से झूले में भी बैठ जाते हैं तो भी हमारे जी घबरा जाता है, राइट। तो एक जिगरा चाहिए, एक डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प चाहिए ऐसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए, ऐसा लिखा है। तो यहाँ पे कुछ 4 पिक्चर्स दिए हैं, वो ऐसे ही एडवेंचरस स्पोर्ट्स है, वो हमें यहाँ पे नेम्स लिखने होंगे कि कौन से स्पोर्ट्स हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, जो पैरों के साथ रस्सी जैसी बांध के कूदते हैं, क्या बोलते हैं, बंजी जंपिंग, जो जंप करना होता है। देन सेकेंड नंबर पे है हैंग ग्लाइडिंग, जो एक जो हम पेपर का रॉकेट जैसा बनाते हैं वैसा कुछ आता है। देन थर्ड नंबर पे बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स है जो स्काई डाइविंग, स्काई में से डाइव करनी होती है, उनको स्काई डाइविंग बोलते हैं। देन फोर्थ नंबर पे है रोप वॉकिंग, जो रोप होता है बहुत लंबा, उन पे उनके ऊपर हमें वॉक करना होता है। एक्टिविटी 3, द ब्रेव लिटिल काइट, एक बहादुर छोटी सी नन्ही सी काइट, एक पोयम दी गई है एक्टिविटी 3 में। तो क्या लिखा है देखते हैं, आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड।
as he looked at the other high over his head. I never can do it. मैं कभी भी नहीं कर सकती. ऐसा कौन बोल रहा है? The little kite. Little kite ने कहा कि मैं ये कभी भी नहीं कर पाऊंगी. जैसे उन्होंने क्या देखा, as he looked at the other high over his head, जैसे ही उन्होंने उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर कुछ दूसरे पतंग को देखा कि वो बहुत ऊपर उड़ रहे हैं और मैं नीचे, मैं छोटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती. वो लोग तो बड़े हैं इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ये नहीं होगा. आई नेवर मतलब मैं, मुझसे कभी भी नहीं होगा, ऐसा वो बोलना चाहती है. कभी कभी हम करते हैं ऐसा, राइट, कि ये मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा. लेकिन किसी का कहना है कि देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब पॉसिबल है ये दुनिया में, ऐसा बोलते हैं. तो वो हमें समझना चाहिए कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरा काम नहीं है. हम हर कुछ कर सकते हैं, राइट. तो नीचे क्या लिखा है, आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई. और वो क्या बोल रही है कि मैं गिर जाऊंगी, मुझे पता है. आई नो लिखा है, वो जानती है, वो उसने ट्राई नहीं किया, फिर भी वो बोल रही है कि आई नो, मुझे पता है मैं गिर जाऊंगी अगर मैं ट्राई करूंगी तब. ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई और आई फियर यू नेवर विल लर्न एट ऑल. बड़ी पतंग जो है वो उनको समझाती है कि आप जस्ट ट्राई करो, अपने आप आपको उड़ना आ जाएगा, जस्ट आप ट्राई करो. अगर ट्राई नहीं करेंगे तो आप कभी भी उड़ नहीं पाएंगे. मुझे डर है कि आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, इसलिए आप जस्ट ट्राई करो. बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ बोलते ही रहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, वो कभी भी वो ट्राई करने की कोशिश नहीं करते. जैसे कि कोई साइकिल चलाना सीखता है तो वो, कुछ लोग होते हैं वो ट्राई करते रहते हैं, गिरते हैं, फिर भी चलाने की ठान लेते हैं कि मैं सीखूंगा, तो वो सीख जाते हैं. लेकिन जो ऐसे होते हैं, जो वो ऐसे सोच लेते हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं गिर जाऊंगा, वो होगा, ऐसे बहाने बनाते रहते हैं, उनको कभी भी साइकिल चलाना नहीं आता. जैसे हमने एक स्टोरी सुनी है कि जो स्पाइडर होता है, वो गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, वो गिर के ही फिर चढ़ना सीख जाता है. लेकिन वो कभी ऐसा नहीं सोचता है कि अभी मैं गिर गया हूँ तो अभी मैं नहीं ऊपर आऊँगा. ये बहुत ही, इतनी सी छोटी सी पोयम है लेकिन बहुत ही समझने वाली बात है, राइट. तो आगे क्या बोलती है उनके वो बड़ी पतंग जो है, वो बताती है कि आप, मुझे डर है कि आप ऐसे बोल रहे कि आप नहीं सीखना, अब मुझसे नहीं होगा, ऐसे करेगी तो मुझे डर है कि आप कभी भी ये चीज़ नहीं सीख पाएंगे, ऐसा होता है. तो वो उनको प्रोत्साहन दे रही है, उनको वो एंकरेज कर रही है कि आप जस्ट ट्राई करो. बट द लिटिल काइट सेड आई एम अफ्रेड आई विल फॉल. लेकिन वो छोटी पतंग है वो बताती है कि मैं अगर ट्राई करूंगी तो मैं, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगी. अभी सीखना ही है तो हम कुछ ना कुछ करना ही तो पड़ेगा, ट्राई तो करना ही पड़ेगा. क्योंकि अगर हम तैरना सीखना चाहते हैं तो पानी में कूदना जरूरी होता है. अगर नहीं कूदेंगे तो कैसे सीखेंगे? बाहर ऐसे हाथ फड़फड़ाएंगे तो क्या सीख जाएंगे हम? नहीं, पानी में कूदना जरूरी है. तो यहाँ पे भी ट्राई करना जरूरी है. अगर फॉल हो जाएगा, गिर जाएंगे, फिर भी ट्राई करेंगे तभी तो सीखेंगे, राइट. आगे की स्टांजा में देखते हैं. द बिग काइट नॉडेड, ओह वेल गुड बाय आई एम ऑफ एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल काइट. द बिग काइट नॉडेड मतलब, नॉडेड मतलब क्या होता है, ऐसा सिर हिलाते हैं उनको, नॉडेड बोलते हैं. वो ऐसे बड़ी पतंग जो है वो सिर हिला लेती है एंड देन बोलती है गुड बाय, वेल अच्छा मैं जा रही हूँ, आई एम ऑफ. एंड ही रोज टुवर्ड्स द ट्रैंक्विल स्काई. और वो क्या करती है, शांत आसमान की ओर चली जाती है. ट्रैंक्विल मतलब शांत. देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. देन जो छोटी सी काइट होती है उनका जो पेपर है वो स्टर्ड होने लगता है. स्टर्ड मतलब वो हड़कंप जैसा मच जाता है. देन लिखा है एंड ट्रेम्बलिंग ही शूक हिमसेल्फ फ्री फॉर फ्लाइट. देन छोटी सी पतंग कांपते कांपते हुए वो क्या करती है, अपने आप को तैयार करती है उड़ान के लिए. फर्स्ट वर्लिंग एंड फ्राइटनिंग देन ब्रेवर ग्राउन अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी
द लिटिल वन राइजिंग स्टेडली। फर्स्ट वर्लिंग मतलब पहले भंवर जैसा जो गोल गोल घूमता है ऐसा, देन फ्राइटनेड चैन डरा हुआ, देन ब्रेवर ग्राउन देन वो थोड़ा हिम्मत से वो ग्राउन होता है, ऊपर आता है। अब ही रोज थ्रू द एयर अलोन मतलब वो उसके बाद हवा से माध्यम से वो ऊपर आ रहा था। रोज थ्रू द एयर मतलब हवा से वो ऊपर उठ रहा था, जो पतंग है ऊपर चढ़ रही थी। पहले हम क्या करते हैं साइकिल सीखते हैं तब भी वही टाइम होता है, पहले पहले हम साइकिल अच्छे से नहीं चला पाते, उधर डोलती है वहाँ जाती है और कभी कभी हम गिर भी जाते हैं, डरते डरते चलाते हैं, कांपते कांपते चलते हैं, ऐसा होता है। वैसे ही वो भी सेम वहाँ पे सिचुएशन फेस कर रही है, देन वो क्या कर रही है हवा के माध्यम से ऊपर चढ़ रही है। देन लिखा है टिल द बिग काइट लुकिंग डाउन कुड सी, वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी जब तक जो बिग काइट है वो नीचे देख रही थी, वो नीचे देख रही थी तब तक वो ऊपर आ रही थी। द लिटिल वन राइजिंग स्टीडली मतलब वो जो छोटी वाली है वो ऊपर आ रही थी, स्टीडली मतलब बहुत तेजी से वो ऊपर बढ़ रही थी। देन हाउ द लिटिल काइट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज ही सेल्ड विद द बिग काइट साइड बाई साइड वाइल फार बिलो ही कुड सी द ग्राउंड and the boys like small spots moving round। यहाँ पर लिखा है कि then how the little kite thrilled with pride। फिर वो छोटी पतंग है वो गर्व के साथ रोमांचित हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है, thrilled मतलब रोमांचित, वो बहुत ही गर्व महसूस करती है कि मैंने कर दिखाया। as he sailed with the big kite side by side जैसे वो बड़ी पतंग थी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो चल रही थी। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round, जबकि वो नीचे जमीन को देख सकती थी, वहाँ क्या जो बॉयज थे वो छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे लगते मतलब धब्बे जैसे देख रहे थे, वो ऐसे घूम रहे होंगे मूविंग राउंड, मतलब जो बॉयज पतंग चगा रहे थे पतंग उड़ा रहे होंगे वो छोटे छोटे स्पॉट्स जैसे दिख रहे थे उनको, ऐसा यहाँ पे लिखा है। They rested high in the quiet air and only the birds and clouds were there। वो छोटी पतंग बता रही है कि उन्होंने उच्च आराम किया, जहाँ पे बहुत ही शांत हवा थी वहाँ पे उन्होंने रेस्ट किया, ऐसे वो बता रही है। एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर और वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे जस्ट कौन थे, बर्ड्स एंड क्लाउड्स थे, जहाँ पे बादल थे और पक्षी थी वहाँ पे उन्होंने आराम किया। और वो छोटी सी पतंग बता रही है कि उन्होंने वहाँ पे उच्च आराम किया जहाँ पे बहुत ही शांत हवा थी, वहाँ पे कोई भी नहीं था, वहाँ पे जस्ट बर्ड्स थे और क्लाउड्स थे, मतलब वहाँ पे बादल थे और कुछ बर्ड्स थे, पक्षी थे वहाँ पे। ओ हाउ हैप्पी आई एम द लिटिल काइट क्राइड एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, वो बोल रही कि ओ मैं कितनी खुश हूँ, वो ऐसे चिल्ला के सबको बता रही है और रो रही है, क्राइड मतलब वो खुशी के आंसू बहा रही है और बोल रही कि मैं कितनी खुश हूँ क्योंकि मैं बहादुर थी और मैंने कोशिश किया। कुछ लोग क्या करते हैं ट्राई नहीं करते, मुझे नहीं आता ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि चल मुझे तैरना नहीं आता, वे तैरना होगा तो हमें पानी में जाके हाथ या पैर हिलाना पड़ेगा तभी तो हम सीखेंगे ना, नहीं तो हम ऐसे बाहरी नदी के बाहरी खड़े खड़े हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे, हाथ पैर हिलाते रहेंगे तो हम कभी भी तैरना नहीं सीखेंगे। हमें अगर तैरना है तो क्या करनेगा, पानी में जाना पड़ेगा, वहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा कि मुझे आता है कि नहीं। हम वहाँ पर जाते ही नहीं और बोल देते हैं कि मुझे तो तैरना नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मैं डूब जाऊँगी, ऐसा बोलते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता, हमें जस्ट ट्राई करना होता है, कोई भी पहली ट्राई में पास या वो नहीं हो जाता, कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो जाता पहली ट्राई में, इसलिए हमें ट्राई करता ही रहना है। ओके, तो यही पोएम थी जो मैं आपको समझाना चाहता था, उसके नीचे क्वेश्चंस है वो ब्रीफ में उनके आंसर्स देने। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यहाँ पे क्वेश्चन उनके आंसर्स देने ब्रीफ में, थोड़े से शॉर्ट में देने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाई वॉज द लिटिल काइट स्कैट, जो लिटिल काइट थी छोटी सी पतंग थी वो क्यों डर रही थी,
ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो क्यों डर रही थी? हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टांजा में देखा कि वो दूसरों को देखा, उन्होंने उनके सिर पे उड़ते हुए दूसरे पतंग को देखा और वो ऐसा बोलने लगी कि मैं उड़ नहीं पाऊँगी, मैं कर नहीं पाऊँगी। और उनका क्या डर था कि मैं गिर जाऊँगी। सबसे बड़ा डर वो कौन सा था कि मैं गिर जाऊँगी। तो हम वहाँ पे आंसर ये वाला लिख सकते हैं कि वाई वॉज द लिटिल कैट स्कैर्ड। तो वो क्यों डर रही थी? उनको गिरने का डर था, राइट? तो आप बना के लिख सकते हैं, राइट? देन सेकेंड, वाई वॉज द लिटिल कैट थ्रिल्ड विथ प्राइड। वो छोटी पतंग थी, वो क्यों गर्व से रोमांचित हो गई थी? तो क्यों हो गई थी? सेकेंड लास्ट स्टांजा में देख सकते हैं कि देन हाउ द लिटिल कैट थ्रिल्ड विथ प्राइड एज ही सेल्ड विथ द बिग काइट साइड बाई साइड। वो कंधे से कंधे मिला रही थी बड़ी पतंग के साथ, राइट? ऐसा हमने देखा था। तब वो रोमांचित हो जाती है, गर्व से रोमांचित हो जाती है। वो वाला आंसर यहाँ पे आएगा। एंड देन व्हाट कुड द लिटिल काइट सी फ्रॉम द स्काई। छोटी सी पतंग थी, उन्होंने स्काई में से नीचे क्या देखा? तो उन्होंने क्या देखा, बॉयज थे वो स्मॉल स्पॉट्स जैसे गोल गोल घूम रहे थे, ऐसा उन्होंने देखा। सेकेंड लास्ट स्टांजा में लास्ट लाइन में लिखा है। एंड देन फोर, इमेजिन यू आर द लिटिल काइट, टेल योर स्टोरी इन 4-5 सेंटेंसेस। यहाँ पे इमेजिन करना है, अगर हम छोटी वाली पतंग है तो हमारी स्टोरी क्या होगी, ऐसे हमें यहाँ पे खुद लिखना है, क्योंकि हमारा इमेजिनेशन कैसा काम करता है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। तो वो हमें अपने लिए लिखना है, ओके? जैसे कि हम लिटिल काइट है, मेरी स्टोरी यहाँ पे बन रही है, तो मैं कैसा फील करूँगी, मैं वो सब स्टोरी यहाँ पे लिखनी है। देन एक्टिविटी फोर, यहाँ पे लिखा है टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या है, विच लाइन्स फ्रॉम द पोएम टेल यू दैट द काइट वॉज रेडी फॉर फ्लाइट। हमें तीन ऑप्शन दिए गए, उसमें से कौन सी लाइन ऐसी लिखी है जिसमें क्या है कि वो ऐसे कह रही है कि जो काइट है वो रेडी थी फ्लाइट के लिए। तो कौन सा आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट। देन सेकंड है, द लिटिल काइट डिड नॉट वांट टू फ्लाई हायर एज। वो बहुत ही ऊंची उड़ान नहीं भरना चाहती थी, राइट? क्यों? तो क्योंकि वो डर रही थी। यहाँ पे ऑप्शन ए में लिखा है कि इट वॉज अफ्रेड दैट इट वुड फॉल। उनको गिर जाना का डर था, इसलिए वो लंबी उड़ान नहीं भरना चाहती थी, राइट? उसके बाद द लिटिल काइट वॉज बींग एंकरेज बाय डैश। उनको कौन एंकरेज कर रहा था कि जस्ट ट्राई करो, आपसे हो जाएगा, ऐसा कौन कर रहा था? तो ऑप्शन कौन सा आएगा, द बिग काइट, राइट? ऑप्शन सी आएगा, जो बिग काइट थी, बड़ी काइट थी, पतंग थी, वो उनको एंकरेज कर रही थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, ओके? देन लिखा है एक्टिविटी फाइव, राइमिंग वर्ड्स एड म्यूजिक टू द पोएट्री। फॉर एग्जाम्पल, सेड हेट, फाइंड द अदर राइमिंग वर्ड्स एंड लिस्ट देम बिलो। राइमिंग वर्ड्स आपको पता ही होंगे, राइट? जो वर्ड एक उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम जैसा होता है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है सेड हेड। तो ऐसे वाले राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ से ढूंढने हैं। तो चलिए ढूंढते हैं, कहाँ पे है, यहाँ पे सेड हेड ये वाला एक है। देन फ्लाई ट्राई, फ्लाई इन ट्राई, वो भी राइमिंग वर्ड्स है, राइट? उसके बाद है ऑल एंड फॉल, ऑल एंड फॉल। देन बाय, स्काई, वो भी राइमिंग वर्ड्स है। एंड देन साइट एंड फ्लाइट, वो दोनों राइमिंग वर्ड्स है। उसके बाद है प्राइड, उसके बाद आता है फ्राइड एंड स्राइड, प्राइड एंड साइट। उसके बाद राउंड एंड ग्राउंड, वो भी राइमिंग वर्ड्स है। देन क्राइड एंड ट्राइड, वो भी राइमिंग वर्ड्स है। तो ये राइमिंग वर्ड्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा सा बॉक्स दिया है उसमें, ओके? देन देखते हैं एक्टिविटी सिक्स, हियर आर टू काइट्स, इमेजिन दैट दीज टू काइट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, राइट अ कन्वर्सेशन बिटवीन देम। हमें यहाँ पे ऐसा लिखा है कि दो यहाँ पे काइट है, एक अलग से एक और ग्रीन है, राइट? तो वो दोनों बातें कर रहे, जैसे हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं,
तो एक कन्वर्सेशन बनता है कि मैं भी बोलता हूँ, वो भी बोलता है, तो दोनों क्या बातचीत करते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि पतंग, दोनों पतंग बातें कर रही है, हमने देखा यहाँ पे बड़ी पतंग एंड छोटी पतंग दोनों बातें कर रही थी, तो वो कन्वर्सेशन एक पोएम के थ्रू लिखा था। तो हमें यहाँ पे कन्वर्सेशन लिखना है जैसे वो बातें कर रहे हैं कि हाय हेलो से, गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन एक्टिविटी 7, डिवाइड द क्लास इंटू ग्रुप्स एंड मेक अ कोलाज बेस्ड ऑन, ये तीन थिंग्स हैं, उन पर हमें कोलाज बनाना है, ग्रुप बनाना है क्लास में, एंड देन हर एक ग्रुप में एक कोलाज बनाएंगे। बराबर, कोलाज जो होता है वो हमें बनाना है। कोलाज मतलब वो अलग अलग कटिंग्स के साथ हम बोर्ड पे चिपका के हम कुछ ना कुछ बना देते हैं, वो बनाना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, थिंग्स दैट फ्लाई इन द एयर नेचुरल एंड मैन मेड। ऐसे बहुत सारे पेपर कटिंग आपको मिल जाएंगे जो मैन मेड नेचुरल होते हैं, दोनों चीज़ें हमें उनका जो बोर्ड है वो स्टिक करके बनाना है। ओके, जो मनुष्य बनाता है उड़ने वाली चीज़ें, राइट, उड़ने वाली चीज़ें, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले में देखा कि चार थे, एरोप्लेन था, बलून्स थे, वो उड़ने वाली चीज़ें हैं जो मनुष्य ने बनाई है, और बर्ड था वो भी उड़ने वाली चीज़ है लेकिन वो नेचुरल है, वो वाले आपको बनाना है जितने हो सके इतने। देन सेकेंड थिंग क्या है, थिंग्स दैट लिव इन वाटर, और जो पानी में जीते हैं, मछलियाँ होती है और डॉल्फिन्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, क्रैब होता है, तो वो भी हमें बनाना है, राइट, वो भी हमें उनके पिक्चर्स लेके स्टिक करके बनाना है, कोलाज बनाना है। एंड देन थिंग्स दैट लिव ऑन द अर्थ, जो थिंग्स पृथ्वी पे जीते हैं, जैसे सांप भी पृथ्वी पे सर के जाता है वो जीता है, चींटियाँ होती है, एंड देन कॉकरोच होता है, देन काउ, बफेलो, घोड़ा, वो सब भी आप बना सकते हैं। ओके, तो हमारा लेसन यहीं तक होगा, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, वहाँ पे ये नई पोएम है एक्टिविटी 8 से हम आगे की एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन डाउट है, वो सब जो भी आपको बोलना है वो कमेंट बॉक्स में डाल देना। ओके, देन सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। ओके, मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।